हेलो दोस्तों, अगर आप जीवा आयुर्वेद से कोई प्रोडक्ट मंगवाने जा रहे हैं या मंगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो रुकिए, पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है जीवा आयुर्वेद की सच्चाई और क्या है इसके फ़ायदे और नुकसान, कितना परसेंट है सही। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ आज़ाद यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं टीवी पे जीवा आयुर्वेद के बारे में बहुत देखता था, तो मुझे लगा कि जीवा आयुर्वेद से कोई प्रोडक्ट मंगाया जाए, और मेरे पेट में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था पाचन तंत्र को लेकर, तो हमने सोचा कि जीवा आयुर्वेद से क्यों ना एक दवा मंगाया जाए। तो हम टीवी पे देखे, उसका नंबर शो हो रहा था, तो उस नंबर पे फ़ोन किए और कस्टमर केयर से बात किए कि मुझे जीवा आयुर्वेद से दवा मंगाना है और अपना प्रॉब्लम बताएं। तो सीधा डॉक्टर से बात कराया, और डॉक्टर से बात करने के बाद डॉक्टर मेरा प्रॉब्लम सुनी और उसके बाद बोली कि आपके लिए एक दवा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोले कि ठीक है, आप दवा बना दीजिए। तो वो क्या कि दवा बना दी मेरा, और बोली कि 11 जून को आपको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। और वो एक महीने के लिए दवा बना रही थी। तो 11 जून को मेरे पास एक कुरियर आया, ठीक है। उस कुरियर में हम देखे कि ये डब्बा था और इस पे इसका प्राइस था 1100 रुपये, ठीक है। तो हम बोले कि 1100 रुपये था, तो हम ये दवा ले लिए और इस दवा को खोल के देखें। जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स को खोले तो इसमें से दो पर्ची निकली। एक पर्ची थी कि उसमें लिखा था कि आपको कैसे खाना है दवा, और दूसरे में लिखा था कि आपको दवा के साथ क्या नहीं खाना है, ठीक है। क्या नहीं खाने वाला पर्ची बहुत लंबा चला था, उसमें बहुत कुछ लिखा था क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वो पर्ची आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और इस डब्बे में था, मुझे एक डब्बा मिला, ये एक टेबलेट का डब्बा था, और दूसरा भी ये टेबलेट का एक डब्बा था, और तीसरा डब्बा मिला ये भी एक टेबलेट का था, और एक डब्बा मिला जिसमें चूर्ण था, ठीक है। और इसमें लिखा था कि इसको कैसे खाना है, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद इसको खाना था गर्म पानी में 1 चम्मच, और दोपहर में खाना था इन तीनों डब्बे में से एक एक गोली दोपहर में खाना था, और शाम के 6 बजे इसमें से 1 चम्मच खाना था, और रात को खाना खाने के बाद फिर इन तीनों में से एक एक गोली खाना था, ठीक है। तो इसको हम टोटल 1 महीने तक रेगुलर खाएं, और क्या नहीं खाना था वो सब हम बचा के 1 महीने तक इसको खाएं। मेरे पेट में थोड़ा प्रॉब्लम था, जैसे पाचन तंत्र मेरा सही नहीं रहता था, कुछ भी खाते थे तो पचता नहीं था जल्दी, इसी वजह से ये दवा मंगाए थे। तो ये दवा हम 1 महीने तक रेगुलर यूज़ किए, लेकिन इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ा सा भी फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। तो हम जब 1 महीना ख़त्म हो गया तो हम फिर कस्टमर केयर के पास फ़ोन किए और बताएं कि ये दवा खा लिए, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं। तो सीधा क्या बोल रहा है कि आपको इस दवा को 5 से 6 महीने खाना पड़ेगा तब कोई फ़ायदा बुझाएगा। तो हम बोले कि 5 से 6 महीने खाएंगे तो हमें कोई फ़ायदा बुझाएगा, तो ठीक कब होगा मेरा बीमारी। तो बोले सर, आप घबराइए मत, आप 5 से 6 महीने इसको खाइए रेगुलर और आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो आप बताइए, इस दवा को हम जब इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन एक बात था कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो तो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था, मतलब इससे कोई नुकसान भी नहीं था और कोई फ़ायदा भी नहीं था। इसको हम खाते थे 1 महीना तक रेगुलर खाए, लेकिन इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम इसके बाद इससे हम दवा नहीं मंगवाए, हम छोड़ दिए कि जब कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा तो हम दवा क्यों मंगाए इससे। तो आप लोग भी देख लीजिएगा कि इससे फ़ायदा, मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होता है। टीवी पे सिर्फ इसका ऐड दिखाया जाता है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, इससे कोई फ़ायदा वायदा होता नहीं है, और सिर्फ बहुत बड़े स्टेज बना के और इसमें इसका प्रमोशन किया जाता है कि आप जीवा आयुर्वेद से कोई प्रोडक्ट ले लीजिए, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप देख लीजिए, अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं जीवा आयुर्वेद से कोई दवा तो आप मंगवा लीजिए, लेकिन मैं राय नहीं दूंगा मंगवाने के लिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।